फिरोजाबाद शहर के नासियाजी जैन मंदिर परिसर में पर्युषण पर्व को लेकर जैन मुनि अमित सागर महाराज ने प्रेस वार्ता की। इस दौरान बताया है 19 सितंबर से शुरू होने वाले दशलक्षण पर्व में जैन मंदिर में धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजन किए जाएंगे। शुक्रवार की दोपहर जैन मुनि श्री अमित सागर महाराज ने मीडिया से रूबरू होते हुए बताया है, जैन धर्म का पर्युषण पर्व 19 सितंबर से शुरू हो रहे हैं। ये पर्व 10 दिनों तक चलेगा। इस मौके पर शहर के नासियाजी जैन मंदिर और चंद्रा प्रभु मंदिर में जैन मुनि और विद्वानों द्वारा प्रवचन और जिन अभिषेक के साथ कई धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। फिरोजाबाद से देखिए राहुल उपाध्याय की खास रह। तो आत्मा की पवित्रता के लिए उत्सव जो है, व्यक्ति अपने सबसे पहले खान पान की शुद्धि बहुत आवश्यक होती है। अब खान जैसे 6 बजे तक योग और ध्यान की कक्षा लगेगी, 6 बजे के बाद जिनाभिषेक और पूजन प्रारंभ होगा। जो पर्व है उस पर्व की पूजा होगी कि 10 धर्म जो माने जाते हैं, एक एक दिन एक एक विशेष पूजा, उनका व्याख्यान, तो पूजन के साथ व्याख्यान भी होगा। 9 से 10 बजे तक प्रवचन होगा, उसके बाद शेष पूजा सब होने के बाद 11 बजे से शिवरात्रियों के भोजन की व्यवस्था, और साधु अपने 10 बजे के बाद आहार चर्या के लिए निकल जाएंगे। उसके बाद 1:30 बजे से, चूँकि यहाँ की परंपरा रही है कि चंद्रप्रम तत्वार सूत्र की वाचना उनकी पुराने समयों से होती आई है, और शहर के प्रबुद्ध लोग, जिज्ञासु लोग, धर्म की जानकार लोग वहाँ पर सुनने के लिए आते हैं। अब चूँकि यहाँ पर वर्षा योग है और चंद्रप्रम कमेटी ने शुरू से ही निवेदन कर दिया था कि आपको तत्वार सूत्र की वाचना वहाँ करनी है, तो एक नया रूपक दे करके उसमें कुछ संशोधन भी हो सकता है, यहाँ से वाद्य यंत्रों के द्वारा और प्रभावना के द्वारा सामग्री ले जा करके और वहाँ पर पूजन हो, और प्राचीन जो पांडुलिपियाँ हैं स्वर्ण अक्षरों से लिखी, चांदी के अक्षरों से लिखी, और ताड़पत्र की, और उसके साथ साथ हस्तलिखित कागज की, और या जो भी जैसी प्रभावना होगी कि लोगों को जानकारी हो, लोग ये प्रभावना काम कहलाता है कि भाई लोग जाने कि जैनियों का कोई पर्युषण पर्व चल रहा है, नगर में कुछ एक नया रूपक हो रहा है। जैसे हम लोग हर धर्म के लोग पूरे बाजार को सजा करके अनेक प्रकार की यात्राएं निकालते हैं, तो ये प्रभावना का रूपक होता है। और तो वहाँ पर जो है 2 बजे से लेकर के और 5 बजे तक ये कार्यक्रम चंद्रपुर मंदिर पर रहेगा। उसके बाद यहाँ सारे कार्यक्रम होंगे, शिवरात्रियों का शाम को जलपान, और उसके बाद मंगल आरती, और मंगल आरती के बाद यहाँ के लब्ध प्रतिष्ठित विद्वान यंग हैं, युवा हैं और तत्व के जानकार हैं, ऐसे सौरव शास्त्री जी यहाँ पर सभा को संबोधन करेंगे। और उसके बाद सांस्कृतिक कार्यक्रम, सांस्कृतिक की जानकारी हो, व्यवहार की जानकारी हो, उसके बारे में जाने, ऐसे 10 दिन की अलग अलग प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया है। उत्साह बढ़ाने के लिए उनके पुरस्कार की भी व्यवस्था की गई है। तो इस प्रकार से ये सारे कार्यक्रम 10 दिन शाम के रात्रि के यहाँ होंगे। दिन का एक कार्यक्रम चंद्रप्र मंदिर जो अपना नीम चौराहा है वहाँ पर होगा, बाकी की सुबह की कार्यक्रम वो वास्तव में धर्म है। केवल हम पूजा पाठ के लिए लड़ते हैं, झगड़ते हैं, तो ये कसा है। आत्मविशुद्धि के लिए, हम तत्व ज्ञान के लिए कि ओरिजिनलिटी क्या है, धर्म की वास्तविकता क्या है, उसका मूल क्या है, उसके तह में जाने के लिए ही ये सारा का सारा आयोजन किया गया है। करते हम दर्द ऊपर की भी तो खबर होना चाहिए कि ऊपर क्या हो रहा, नीचे की खबर होना चाहिए नरकों में क्या हो रहा है।